Welcome back to my channel. So this is all set for my function. Blouse वगैरह साड़ी प्रेस करके रख लिया मैंने. मेरा केवल साड़ी पहनना रह गया है ना. सो भी फंक्शन में जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ. और इसमें ये लेस मैंने लगाई है, फॉल भी मैंने लगाई है. इसे कैसे पूरा दिखाऊं, इसमें पूरा दिखता नहीं है. ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया? उर्मिला ने. सो ये फर्स्ट टाइम था जो मैं हाथ में ट्राईपॉड लेके और कैमरा लेके इस तरीके से गई थी इतनी बड़ी भीड़ में. सभी थे, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. और ये वो पीपल का पेड़ है जहाँ मैं रोज़ पूजा करने आती हूँ. और इसके बगल में ही मंदिर बना है. पहले छोटा सा एक छोटे से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी और अभी बड़े पैमाने पे हो रहा है. और लगभग जहाँ भी दूर दूर खत्री समाज के लोग रहते हैं वो सभी आए हुए हैं. गुजरात और जहाँ भी होगा ये मंदिर है. तो 5 दिन का टोटल फंक्शन है ये. आज फर्स्ट डे का है तो कोशिश करूँगी कि मैं 5 दिन का दिखा पाऊँ. फ़िलहाल ये फर्स्ट डे वाला है जिसमें कि शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाएगी. और आप देख रहे हैं लगभग मोस्टली लेडीज़ एक ही साड़ी में, जो कि हमें दी गई थी साड़ियाँ और कलश. और बाद में यात्रा के बाद वो हमें ही दे दिया गया है प्रसाद के स्वरूप में. तो ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है. इसका दर्शन मैं अंदर से कराऊंगी. और लिटिल बिट ऑड लग रहा था मुझे क्योंकि बहू होने के बाद और ये मेरी देवरानियाँ हैं दोनों. ये इंट्रो देती हूँ. ये पूजा है और देखिए नहीं जो कि एक ये देखिए पूजा और ये गोमी बोलते हैं इसको. और इनकी बेटी पूजा की बेटी और मैं हूँ साथ में. तो ये रहे. ये मेरे मामा ससुर के बहुएँ हैं. ये प्रॉपर राजस्थान के हैं. दिस इज टीना. और अगर आपने एक व्लॉग आप देखेंगे वीज़ा टू एक्सप्लोर में दल्लू जी कचौरी वाला, उनका यानी कि उनकी फैमिली की बहुएँ हैं ये. और शोभा यात्रा निकली है. मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से मैं कहीं पर निकली हूँ, मतलब ऐसे किसी रिलीजियस फंक्शन में. और लिटरली मानिए कि बहुत अच्छा लग रहा था. थकान मतलब उस समय बिल्कुल नहीं. और रात में मेरे पाँव जो है वो दुखे नहीं, मतलब आप मैं रात में इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ. लेकिन थोड़ा सा बस हल्का सा पेन हुआ है. जनरली ज़्यादा चलती हूँ तो पैर दुखने लगते, पर नहीं हुआ. बहुत इन्जॉय किया मैंने. और अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के किसी फंक्शन या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं. और इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इनक्रीज़ होता है. तो अच्छा था एक कुल मिला के. और अभी तो ये फंक्शन एक ही था और ये मैंने आधा ही शूट करा क्योंकि हम लोग करीब 2.5-3 घंटा चलते रहे थे कंटिन्यू. ये आप देख रहे हैं पीछे सभी साथ में थे. फिलहाल मेरी जिठानी से बिछड़ चुकी हूँ, वो मुझे लास्ट में मिले थे. और ये मेरी बेटी खड़ी है, ये इसकी ट्यूशन टीचर थे पहले और मेरे साथ भी स्कूल में ही थे. मैं भी सीमा सारस्वत, मतलब एक बार को सभी सोच रहे थे कि क्या करें क्योंकि हाथ में ट्राईपॉड था तो थोड़ा सा लग रहा था. पर मैंने सोचा जब करना है तो फिर क्या डरना है. और बहुत ही स्वीट है ये. जैसे ही मैंने कैमरा में आगे लेके गई तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हो जाती है ना, सब लोग कैमरे के आगे हो जाते हैं. तो वो चीज़ थी. और ये मेरी जेठानी है, फाइनली मुझे मिल गए. तो ये भी बहुत ही स्वीट नेचर के हैं, स्वीट नेचर इन द सेंस ऑफ. और वो उनके पीछे भाभी हैं. आइए और कह रही थी मतलब बहुत स्वीट नेचर के, नेचर मतलब इन द सेंस में कभी कभी बल्कि मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ पर वो कभी रिप्लाई नहीं करते, बहुत शांति से सुन लेते हैं.
अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे मुझे मेरे को एक कंसेप्ट और एक अच्छा रिलेशन लगा कि देवरानी जिठानी वाला है रिश्ता, पर ऐसा नहीं है कि वो झगड़े वगैरह नहीं, थोड़ा 19-20 भी नहीं होता है, सिर्फ 19 और सवा 19 ही होता है। और मैं ये कहूँगी कि वो मुझसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले हैं जहाँ तक मैं समझती हूँ। सबसे कॉप अप करके चलते हैं, पीछे सारे हमारे मोहल्ले पड़ोस सारी लेडीज़ वगैरह हैं। तो ये मैंने सोचा कि चलो एक फंक्शन छोटा सा मैं दिखा देती हूँ 5 दिन का, इसके बाद जो खाना, क्योंकि हाँ तो मैं ये कहती थी कि खाना जो है देर एक समय का खाना हमारा समाज में रहेगा। और ये यहाँ के विधायक है पीछे मेवाराम जैन जी, हाँ दिला रहे हैं जो वो, तो अच्छा अरेंजमेंट था। और खाने की व्यवस्था में बता रही थी कि दिन के 3 तारीख से लेकर ऑलमोस्ट 7 तक जो है सभी का खाना समाज की तरफ से होगा, एक तरह एक समय का, और नाइट में हम लोग खुद से कुक करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसमें आपको पूरा तो मैं, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा थी उस फंक्शन का, इसलिए मैं ऐसा शूट कर पाई हूँ। बाकी तकरीबन 5,000 लोगों का ये हुजूम था और उससे ज़्यादा आगे पीछे जो रहे होंगे। तो जस्ट इन्जॉय करिए। और मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है पब्लिकली इस तरीके से कैमरा स्टिक लेके घूमने का, कुछ लोगों ने बोला भी, पर नेवर माइंड कि जब अपना काम है। सो होप सो ये वीडियो आपको छोटा सा पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को पसंद ही कर लेंगे, बस लाइक कर लेंगे और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि मैं, देखिए कैमरा फिर फाइनली गिर ही गया था, और खाने का मैं, ये देखिए ट्राइपॉड मेरा टूट गया है, खाने का मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद फिर यहीं पे वीडियो मैंने एंड कर दिया है। सो मिलूँगी सेकेंड डे और थर्ड डे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।